Students, hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to the class. In the last class, we have already discussed about the chapter number 1 of 9th standard matters in our surrounding till the change of state of matter. We have discussed about it. We have seen the effect of pressure, effect of temperature on the particles of matter. Okay, and we have seen how they help in changing the state. Today, we are going to see the further topics. First of all, as we discussed in the last class about basically the latent heat of fusion, latent heat of vaporization, let's see one of the questions about it. I can see in the textbook, there is a topic given that what happens to the temperature? Why does the temperature of a substance doesn't change when the state changes? Okay, this is given in the textbook. Okay, you can see there. Okay, I will show you the textbook. Let's answer that question. Okay, in simple words, what they want to say that कभी भी हम जब एक आइस क्यूब है, अगर आइस क्यूब को हम हीट करते हैं नीचे, तो हाइट जब हीट करते हैं तो कुछ देर तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता. मान के चलो हम हीटिंग करने के स्टार्टिंग में टेम्परेचर मेजर करते हैं एंड दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और एक या दो मिनट तक वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, सो चलिए हम वो देखते हैं, और उसके साथ साथ हम इसके ऊपर बेस्ड इनटेक क्वेश्चन भी देखते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के, लाइक केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. तो कैसे हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, आप लोगों को ये बता दूं मैं कि हम जो नॉर्मल थर्मोमीटर यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है. ओके, और हम अभी आज जो डील करेंगे हम सेल्सियस एंड केल्विन में डील करेंगे. तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रेजेंटेशन. प्लीज अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए. सो सब लोग फटाफट पेज नंबर 7 खोलिए, और पेज नंबर 7 पे ये वाले टॉपिक पे आ जाइए. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने बोला टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो उसके रिगार्डिंग है कि आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेंस द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. हीट एनर्जी जाती कहाँ है? ये क्वेश्चन कैसा है, बहुतों को समझ में नहीं आता है. तो ये क्वेश्चन में ये पूछना चाहते हैं कि जब भी आप एक सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मतलब उसे हीट कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी एनर्जी है, वो हीट है, वो कहाँ जाती है? तो मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक कहना क्या चाहते हैं, एक एक्टिविटी के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सपोज एक ये बीकर है. ओके, ये बीकर वाला एग्जांपल लेता हूँ. एक आपने बीकर लिया, एक्टिविटी को ध्यान से सुनना. आपने एक बीकर लिया, ओके, आपने बीकर में एक थर्मामीटर लगाया, ओके, आपने उसके अंदर बर्फ डाल दिया. ओके, क्या डाल दिया? बर्फ डाल दिया. ओके, इतना समझ में आया? फिर से सुनिए, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर बर्फ के आइस के पीसेस डाल दिए, ओके, और बर्फ के टुकड़े डाल दिए, ओके, फिर उसके अंदर थर्मामीटर डाल दिया. जब थर्मामीटर आपने चेक किया तो टेम्परेचर कुछ दिखा रहा है, सपोज -5 डिग्री सेल्सियस, ओके, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखाता है. ओके, अब टेम्परेचर आपने देखा, टाइम देखा, टाइम मान लो आपने स्टार्ट किया टाइमर 0 डिग्री 0 सेकंड्स पे, आपने देखा तो आपका टेम्परेचर कितना है, -5. फिर आपने 1 मिनट के बाद देखा, तो 1 मिनट के बाद आपको फिर भी टेम्परेचर क्या दिखता है, -5. 2 मिनट्स के बाद देखा तो भी आपका टेम्परेचर कितना दिखता है, -5. तो आप यहाँ नीचे से हीट कर रहे हो, बट फिर भी 0 से 1 मिनट हुआ, 1 मिनट से 2 मिनट हुआ, तब भी एनर्जी जो है थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ? वाई डज द टेम्परेचर डजेंट चेंज? ओके, ये क्यों हुआ ऐसा? बट एक चीज़ हुई कि जो बर्फ है वो बर्फ पिघल के पानी होने लगी, धीरे धीरे मेल्ट होके क्या होने लगा, पानी में कन्वर्ट होने लगा. ओके, तो ये तो हुआ, क्या हुआ, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ. बट ये 0 to 2 मिनट, मतलब 2 मिनट तक पूरी हीट गई, तो वो हीट कहाँ गई, जबकि टेम्परेचर तो -5 ही है. तो उस केस में क्या हुआ, हीट कहाँ गई, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वहाँ पे भी ये जो आपने क्वेश्चन देखा, वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब पिघलता है कोई भी सॉलिड, तो उसका टेम्परेचर पिघलते वक्त क्यों कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होता? मतलब आइस 0 डिग्री पे था, अगर आपका आइस जो है वो 0 डिग्री पे था, तो 2 मिनट तक वो 0 डिग्री पे क्यों रहता है, जबकि आइस पिघल गया तो उस उतने टाइम तक के 2 मिनट के लिए हीट कहाँ जाता है? तो ये हीट जो जाता है कहाँ जाता है, मैं स्ट्रेट आंसर बता रहा हूँ, द हीट इज यूज्ड अप टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये सॉलिड था, अब हीट दे रहे हो आप, तो ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूट के गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में होगा कन्वर्ट. ओके, तो जो हीट था वो इस बॉन्ड को तोड़कर लिक्विड बनाने में यूज हो गया. ओके, द हीट इज यूज्ड अप टू
break the intermolecular force of attraction of the solid and to convert it into liquid. That's why the temperature remains constant. Okay, this is the answer. So, आपको इसके लिए यही answer लिखना है कि the heat is used up in breaking the intermolecular force of attraction of the solid to and to make it liquid. Okay, that's why the temperature remains constant. Okay, तो ये लिखना है. And this property is known as latent heat of fusion. मैंने लास्ट में बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दो टर्म होते हैं. अब इसको क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ, मैं अगर एक एक बार फिर से बता दूं, द वर्ड लेटेंट मींस हिडन. ओके, इट मींस हिडन हीट. ओके, एक हिडन हीट होती है किसी भी हर एक ऑब्जेक्ट में हिडन हीट होती है. तो जो ये हीट आप देख रहे थे, जो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वो टेम्परेचर किसके फॉर्म में स्टोर हो रही थी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में. इट इज़ अ हिडन हीट विच यू कैन नॉट सी. ओके, अंडरस्टूड? तो अब मैं आपको एक, इसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा. क्लियर? ठीक है, ओके, फाइन. सो अब हम देखते हैं ये कन्वर्जन. अभी कन्वर्जन है क्या? कन्वर्जन मतलब हमारे पास टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ओके, देन केल्विन. आपको जो थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर यूज़ करता है, वो होता है फ़ारेनहाइट में. ओके, देन केल्विन होता है अलग, सेल्सियस होता है अलग. तो हमें यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है उसमें हमको सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना हमें सीखना है. तो कैसे करेंगे? पहले मैं आपको एक सिंपल सा कन्वर्जन रेट बता दूँ. ओके, कन्वर्जन रेट क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन. 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 273. समझ गए? ओके, ये कन्वर्जन रेट हमेशा याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन्स होते हैं? 273. ओके, इसको अपने नोट्स में भी लिख देना. ओके, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 273 केल्विन. अब अगर कभी भी आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, केल्विन में गिवन है, मतलब मान लो 275 केल्विन है, या फिर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है. ओके, मान लो आपके पास कितना गिवन है? 2 डिग्री सेल्सियस. तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जब भी आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो व्हाट यू विल बी डूइंग? माइनस 273. जब भी केल्विन से सेल्सियस में जाओगे तो क्या करोगे? माइनस 273. और सेल्सियस से केल्विन में जाओगे तो क्या करोगे? प्लस 273. अंडरस्टूड? क्लियर? फिर से एक बार, अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर दो 273 जो भी आंसर गिवन है, और अगर सेल्सियस से केल्विन जाना है तो जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको 273 से प्लस कर दो. तो ये आपका यहाँ पे क्या आंसर आएगा? आपको केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हो, मतलब 275 के माइनस 273 मतलब कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस. ओके, और यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 275 केल्विन. ओके, अंडरस्टूड? तो ये इनके बीच में कन्वर्जन रेट है. ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको. फाइन, सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं, उसको हम कन्वर्जन कहते हैं. अभी आप लोगों ने जो फ्लो चार्ट बनाया था वो इस तरह का फ्लो चार्ट था. ओके, अंडरस्टूड? ये फ्लो चार्ट बनाना है आपको. जो एग्ज़ाम में आता है कभी भी आपको सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड का कन्वर्जन, तो आपको यही बनाना है. आपने जो मैंने एक दिखाया था इस तरह का, जो इधर से एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, वो वाला आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है. एग्ज़ाम में यही बनाना है, ये ट्रायंगुलर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पहले एक बार लर्न कर लेना. ओके, ये पूरा लर्न होना चाहिए. इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. ओके, समझ आया? चलो, तो फिर अब देखते हैं इसका इंटेक्स एक बार देख लेते हैं. सो इंटेक्स देखेंगे तो पहला तो वही है कन्वर्जन रेट वाला, तो ये आपको ऑलरेडी बता दिया. फिर फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट इन द चेंज ऑफ स्टेट. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, तो क्यों उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है? ओके, ये बताना है. देन सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपको एटमोस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करना है तो क्या कर दो? प्रेशर को इंक्रीज कर दो. ओके, क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस के पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में. ओके, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. अंडरस्टूड? तो ये हो गया. अंडरस्टूड? इतना क्लियर है आपको? ओके, तो ये है हमारा टॉपिक, इवापोरेशन. फाइन, नाउ एज यू हैव सीन
दैट हाउ वॉट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वॉट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. आपने इंडेक्स देख लिया और आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं होता. जनरली क्या होता है, जब आप हीट करते हैं तो किसी भी सॉलिड के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको तोड़कर उसका स्टेट चेंज करने में वो हीट एनर्जी यूज हो जाती है. ओके, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता. बट आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. सब अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन इज अ बल्क फिनोमेना, इट इज सर्फेस फिनोमेना जो सर्फेस पे डिपेंड करता है. एंड इट, अगर एक नॉर्मल डेफिनेशन कहूं, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन टू वेपर्स ओके बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन. ओके, एंड साथ में बहुत सारे लोगों को लगता है वेपराइजेशन इवापोरेशन सेम है. नहीं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं वेपराइजेशन क्या होता है या बॉइलिंग क्या होता है एट बॉइलिंग पॉइंट. बट इवापोरेशन क्या होता है? बॉइलिंग भी यही होता है ना, वॉटर द लिक्विड कन्वर्ट्स इट सेल्फ इंटू वेपर, वेपर्स एट बॉइलिंग पॉइंट. ओके, बट इवापोरेशन इट वर्क्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट. बट ये आपको डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. बट आज हम क्या देखेंगे, वो फैक्टर्स जिस पे इवापोरेशन डिपेंड करता है. तो मेनली चार फैक्टर्स हैं, दैट इज सरफेस, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. लेट्स सी द फैक्टर्स. ओके फाइन, चलिए बुक में देखते हैं. तो ये है हमारा टॉपिक इवापोरेशन ऑन पेज नंबर, एज यू कैन सी हियर, पेज नंबर 9. ये इवापोरेशन टॉपिक है. एंड इवापोरेशन टॉपिक में ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ओके, ये पॉइंट्स मैं सबको कहता हूँ, ये पॉइंट्स जितने हैं आपके टोटल 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये बताता है कि इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इट टेल्स दैट वॉट आर द फैक्टर्स ऑन विच इवापोरेशन डिपेंड्स. ओके, तो हम एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखते हैं. और पहले मैं आपको समझा दूँ इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है. तो पहला, सबसे पहला फैक्टर को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. तो क्या लिखोगे आप, मैं आपको दिखाऊंगा आपको किस तरह से लिखना है. पहले समझ लेते हैं कि एज द इवापोरेशन इंक्रीजेस सरफेस, सरफेस एरिया इंक्रीज जैसे ही करता है इवापोरेशन भी क्या करता है, इंक्रीज. ओके क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना, और ये अगर एक या दो नंबर ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि पहले क्या करना है, आपको लिखना है द फैक्टर्स ऑन विच इवापोरेशन डिपेंड्स आर सरफेस एरिया, टेम्परेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चार हैं उनका नाम लिख दिया. फिर उनको एक्सप्लेन करना है, एज द सर्फेस एरिया इंक्रीजेज द इवापोरेशन इंक्रीजेज, इफ द सर्फेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है. एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग द क्लोथ्स फॉर डाइंग ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट. ओके, जब कपड़े को सुखाते हैं तो हम उसके खोल के सब सुखाते हैं, फैला के सुखाते हैं, तो जल्दी सूखता है. दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कप वाला, कप एंड टी वाला, कप एंड सॉसर वाला. लाइक वी ईजिली, वी कैन सिप ईजिली टी इन अ सॉसर एज कम्पेयर टू कप, बिकॉज द सर्फेस एरिया ऑफ कप इज मोर, सो इवापोरेशन विल बी मोर एंड कूलिंग विल बी मोर. अंडरस्टूड? क्लियर. तो ये पहला. दूसरा, दूसरा फैक्टर, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा, अब पार्टिकल्स जो हैं, ओके, हीट के जो क्लोथ के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, जल्दी इवापोरेट हो जाएंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू वेपर स्टेट. या फिर आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इवापोरेशन इंक्रीजेज, दैट्स वाई ऑन अ हॉट ड्राई डे द क्लोथ्स ड्राई फास्टर. मतलब गर्मी के दिनों में, सूखे दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं. ओके फाइन, ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं. तीसरा पॉइंट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. तो इसमें क्या लिखोगे, एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इवापोरेशन डिक्रीजेस. ओके, जैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है इवापोरेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है. क्यों? ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले वो समझो. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. तो कभी भी क्या होता है, जब भी जो पार्टिकल्स हैं इवापोरेशन के टाइम पे क्या करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे. तो मतलब आपका क्लोथ्स से कहाँ जाएंगे, एयर में. बट अगर ह्यूमिड है तो एयर में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स होंगे, तो क्लोथ्स से ये जल्दी नहीं जा पाएगा, स्लो हो जाएगा. ओके, सो ये रीज़न आएगा कि ड्यू टू ह्यूमिडिटी द इवापोरेशन डिक्रीजेज. ओके, बिकॉज द एयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड इट. ओके, दैट्स वाई on a rainy day the clothes don't dry faster. ये example लिखना है. clear, understood? ये लिख देना है. okay,
इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन देयर ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज. बट आपको इतना ही लिखना है दैट एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द इवेपोरेशन डिक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल इन अ रेनी डे द क्लोथ्स डोंट ड्राई फास्टर बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन एयर इन अ ह्यूज क्वान्टिटी. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. जब हवा तेज चलेगी तो इवापोरेशन भी तेज होगा. ओके, विद द इंक्रीज ऑफ इन द स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर पर मूव्स अवे विद द विंड. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड. सो आप लिखोगे एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज द इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट्स वाई इन अ विंडी डे द क्लोथ्स, दैट्स वाई दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. ओके, एग्जाम्पल भी लिख दिया. मतलब एक लाइन में आपने उसका स्टेटमेंट लिखा कि ऑन द इवापोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड फॉर एग्जाम्पल द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, एग्जाम्पल भी लिख दिया. तो पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट हो गया, टीचर आपको मार्क्स कहीं भी नहीं काट सकता. ओके, सो दिज आर द फैक्टर्स ऑन विच इवापोरेशन डिपेंड्स. ओके, क्लियर. सो अभी आप लोगों ने फैक्टर्स देख लिए. ओके, तो ये फैक्टर्स है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको फैक्टर्स लिखना है, उसके साथ उसके एग्जांपल्स को भी ऐड करना है अपने नोट्स में. ओके, और चारों के चारों पॉइंट लिखने हैं. ओके, सो अब हम देखते हैं कि इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है, वो किस तरह के फिनोमिनाज में हमें हेल्प करता है. ओके, सो फटाफट चलिए फटाफट हम लोग ये देख लेते हैं फिनोमिनाज. हमारे पास कुछ फिनोमिनाज है जैसे अर्दन पॉट क्यों ठंडा करता है, कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए हमें, क्यों हमारे पाम पे हम जब पेट्रोल पुट करते हैं तो ठंडा क्यों लगता है, ऐसे फिनोमिनाज है. लेट्स डिस्कस दैट एंड साथ में इंडेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक. ओके, तो इसमें हमको देखना है कि ये आपके बुक का ये वाला पेज है. ओके, सो इसमें हमको देखना है कि इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है. तो मैं आपको दो तीन फिनोमिनाज समझाता हूँ. ओके, पहला ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा इसलिए ध्यान से समझना. ओके, पहला चीज तो व्हाई शुड बी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. ये क्वेश्चन आए तो क्या आंसर दोगे, व्हाट यू विल राइट द आंसर. अब कॉटन क्लोथ्स में क्या होता है, इन द कॉटन क्लोथ्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ओके, मतलब कॉटन क्लोथ में पोर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब गैप्स होती हैं. तो वो गैप्स होने की वजह से क्या होता है कि आप जो स्वेट करते हो तो स्वेट उसके थ्रू बाहर आ सकता है और एयर अंदर जा सकता है, तो आपको थोड़ा कूल फील होगा समर्स में. बट उसकी जगह पे आप पॉलिस्टर पहनोगे तो पॉलिस्टर के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पॉलिस्टर के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, तो इतना क्लोजली पैक होने की वजह से एयर पास नहीं होता तो उसमें तुमको गर्मी लगेगा. दैट्स वाई वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, बिकॉज इन कॉटन क्लोथ्स वी आर हैविंग पोर्स, सो दैट थ्रू पोर्स द वाटर वेपर फ्रॉम आवर बॉडी और द स्वेट फ्रॉम द बॉडी कैन कम आउट एंड द एयर कैन ऑल्सो गो इन. ओके, फाइन. और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी, गिवन कॉटन बीइंग अ गुड अब्सॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग द स्वेट एक्सपोजिंग इन एटमॉस्फेयर, ये भी रीज़न लिख सकते हो. ओके, ठीक है, फाइन. तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर ठंडा पानी भरा हुआ है ग्लास के अंदर तो क्या होता है, द एयर पार्टिकल्स ओके विच आर मूविंग अराउंड इस ठंडे के साथ कांटेक्ट में आते ही अपना एनर्जी लूज कर देंगे, और जब एनर्जी लूज करेंगे पार्टिकल्स तो जो दूर दूर गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे. तो वो गैस से अपनी प्रॉपर्टी किस में चेंज कर देंगे, लिक्विड में. ओके, सो यू कैन से दैट वी आर एबल टू सी द ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर बिकॉज व्हेन द एयर द हॉट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास दे लूज देयर एनर्जी कन्वर्टिंग देम इनटू फ्रॉम गैस टू लिक्विड. दैट्स व्हाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ओके ऑन द ग्लास. बहुत लोगों को लगता है अंदर का पानी बाहर आ रहा है, नहीं, एयर के अंदर जो वाटर होता है वो बाहर आ रहा है. ओके, क्लियर. आप ये वाला टर्मिनोलॉजी भी आपको समझ में आ गया होगा. तो ये दो प्रॉपर्टीज थी. अब उसके बाद ये हमारा इंटेक्स है, तो इंटेक्स के जो क्वेश्चन है हम उसको एक बार देख लेते हैं. ओके, फटाफट. वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. ओके, डेजर्ट कूलर क्यों कूल करता है हम उसको डिस्कस कर लेंगे अभी. ओके, वाई डज अ वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर. तो इसका क्या होता है रीज़न, मैं आपको बता देता हूँ कि इन अर्दन पॉट्स के अंदर, मिट्टी के पॉट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो भी अंदर की हीट होती है वो पोर्स के थ्रू बाहर आ जाती है. ओके, तो पोर्स के थ्रू बाहर आ जाती है तो जो पानी बाहर आता है हमारे बॉडी में स्वेट की तरह, तो मटके को बाहर से ठंडा रख, क्या होता है अंदर की हीट पूरी बाहर आ गई तो अंदर का पानी कैसा हो गया, ठंडा हो गया. ओके, क्लियर. इस वजह से
वी अर्दन पॉट में मटके में पानी ठंडा हो पाता है। और क्या होता है, जब वो पानी बाहर आता है ना, तो वो जो पानी बाहर आया उससे हवा बाहर की टकराती है तो उसको ठंडा कर देती है, तो अंदर का एनवायरनमेंट ठंडा रहता है। सेम हमारे बॉडी की तरह, हमारे बॉडी में भी क्या होता है, इवापोरेशन हमारे बॉडी को ठंडा रखता है, लाइक स्वेटिंग। अगर स्वेटिंग नहीं होगी तो बॉडी का हीट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओके, क्यों? जैसी बॉडी बहुत गर्म होती है तो बॉडी स्वेट के फॉर्म में उस हीट को रिलीज कर देती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन यू पुट सम एसीटोन परफ्यूम ऑन इट? तो एसीटोन और परफ्यूम क्या होता है, आप जैसे ही पाम पे उसको गिराओगे तो एसीटोन और परफ्यूम होता है वॉलेटाइल। एसीटोन एंड परफ्यूम आर वॉलेटाइल लिक्विड्स विच एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ द सर्फेस ऑफ द हैंड एंड इट इवापोरेट्स लीविंग बिहाइंड द सर्फेस कूल। वो क्या करता है, एसीटोन है तो वहाँ की पूरी हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, और वो इवापोरेट होता है, उड़ जाता है। तो क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब हो गई तो हाथ में, हाथ का सर्फेस कैसा फील होगा, आपको ठंडा फील होता है। ओके, यू कैन राइट लाइक दिस, वेर वी पुट व्हेन वी पुट ऑन आवर पाम सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम वी फील कोल्ड बिकॉज इट they are volatile material, they absorb the heat from the palm and they evaporate leaving behind the surface cold. Okay, you can write the answer like this. Then why are we able to sip a hot tea? Humne already discuss kar liya. What type of clothes should we wear in summers? To pehla cotton clothes and dusra white clothes. The reason, white clothes they radiate heat, okay, and black clothes they absorb heat. Clear? To yahan pe hamara index khatam hota hai. Okay, to iske sath hamara jo chapter content hai yahan pe itna hi hai. Okay, so ye सो इंटेक्स के बाद जैसा हमने इवापोरेशन मैंने आपको समझाया, तो उसके लिए मैंने ये आपके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में आपको डेफिनेशन से लेके हर चीज़ गिवन है, तो ताकि आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। लाइक इवापोरेशन क्या है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ओके, याद रखना इवापोरेशन और बॉइलिंग में बहुत डिफरेंस होता है। बॉइलिंग क्या होता है, इवापोरेशन वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। और ये इवापोरेशन क्या होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, नेचुरल फिनोमेना है। लाइक समंदर में, नदियों में क्या होता है, इवापोरेशन होता है, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री तो नहीं पहुँचता ना टेम्परेचर। ओके, नॉर्मल इवापोरेशन। तो ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, तो ये इवापोरेशन का पर्टिकुलर डेफिनेशन है। देन फैक्टर्स जो आपको लिखना है इस तरह से लिखना है, बट जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, पूरा एग्जाम्पल्स को उनको क्या करना है कि आपको एग्जाम्पल को इसमें ऐड करना है, ठीक है। यू नीड टू ऐड द एग्जाम्पल्स इन दिस, फाइन। ओके, सो ये जो भी पॉइंट्स गिवन है, इस पॉइंट्स के साथ आप वो एग्जाम्पल्स को जरूर लिखिएगा प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो इवापोरेशन का ये डायग्राम वगैरह दे दिया है, क्लियर। सो ये डेफिनेशन को आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। देन उसके बाद इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, किस तरह से कूलिंग करता है वो यहाँ पे समझाया है मैंने। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो टॉपिक्स है ऑलरेडी, तो आपको इस पॉइंट्स को भी यूज़ करना हो तो आप अपने इंटेक्स और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं। जो हमने डिस्कस किया वही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे जो है मैंने ये बताया है, कैसे कूलर, डेजर्ट कूलर्स। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान में या कहीं पर बहुत जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ डेजर्ट कूलर किस तरह से काम करते हैं, तो ये आप देख सकते हो किस तरह से वो डेजर्ट कूलर काम करते हैं। क्या होता है डेजर्ट कूलर में, यहाँ से हवा आ रही है, ओके, फिर ये फिल्टर होता है, फिल्टर मतलब फिल्टर में पानी पंप से जा रहा होता है या फिर वो घास होता है, तो गीले रहती है, जैसी हवा इसके अंदर आती है वो हवा क्या करता है, ठंडा कर देता है, और फिर ये फैन उसको अंदर ब्लो करता है। तो इस तरह से पूरा कूलर का काम होता है। ओके, बट ये ऑलवेज कहाँ काम करेगा, ड्राई वेदर में। क्यों, क्या होगा, इस वाटर, इस एयर के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे। अगर आप बहुत बरसात के टाइम कूलर चलाओगे तो बहुत गर्मी हो जाएगी, क्यों, ऑलरेडी एयर में पानी है और इसके थ्रू जो हवा जा रही है वो ऑलरेडी ह्यूमिड है। ओके, तो इट विल डिस्ट्रॉय योर ओके एनवायरमेंट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग का एक एक्टिविटी है, फाइन। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटेक्स, यहां पे हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाना चाहिए। अब आपके यहां तक के नोट्स और इंटेक्स के साथ आपको मुझे एक्सरसाइज भी सबमिट करना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इट वॉज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इजी चैप्टर। बट स्टूडेंट, लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज, हम जो ये अल्टरनेट डे स्केड्यूल ऑफ लेक्चर रख रहे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आप एक दिन जब मैं आपको लेक्चर भेजूं, आप लेक्चर स्टडी करें, उसके नोट्स लिखें, नेक्स्ट डे आप उसको क्या करें, लर्न करें। लर्न करना भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट लर्न, कोई फायदा नहीं। मैं रोज लेक्चर भेजता जाऊं, आप रोज लेक्चर लिखते जाए तो पाइलॉन हो जाएगा, तो मुझे पाइलॉन नहीं कराना। आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न इट। और एक चीज, जैसे ही वीडियो खत्म होता है प्लीज मार्क योर नेम
ओके अपना नेम कमेंट सेक्शन में लिखिए विद अ थम्स अप सो दैट मुझे पता चल सके कि कौन लेक्चर अटेंड कर रहा है कौन नहीं. ओके सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू सब्जेक्ट और अ न्यू चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.